और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करी जा रही। आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकसी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, G20 समिट होती है, वहां पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हवा बना के रखा था, कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी, किसने देश के माथे पर मारा था, किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।